प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 11 सितंबर को आजमगढ़ के आईटीआई मैदान में आ रहे हैं। यहां करीब 5000 किसानों को ऋण माफी योजना का प्रमाण पत्र बांटा जाएगा। कार्यक्रम में होने वाली भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अफसर गंभीर हैं। प्रोटोकॉल आने के बाद से ही तैयारियां तेज कर दी गई थीं। रविवार को कई वरिष्ठ अफसरों ने आईटीआई मैदान पहुंचकर वहां का जायजा लिया। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने यह भी बताया कि करीब 5000 किसानों को प्रमाण पत्र वितरित होना है। किसानों को ले आने से लेकर कार्यक्रम स्थल पर बैठने का इंतजाम पूरा कर लिया गया है। 12:30 बजे के करीब डिप्टी सीएम का आगमन होना है। वे पीएससी ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और वहीं से आईटीआई ग्राउंड पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में फोर्स की ड्यूटी भी लगाई गई है। शहर के कुछ रास्तों पर रूट डायवर्जन भी लागू होना है। यातायात उप निरीक्षक अंगद प्रसाद तिवारी ने एबीसी चैनल को बताया कि उप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में पर्याप्त जवानों की तैनाती रहेगी। सोमवार को आईटीआई जाने वाली सड़क पर रूट डायवर्जन भी लागू रहेगा। एक तो हाफिजपुर से कार्यक्रम स्थल की तरफ वाहन नहीं आने देने के लिए डायवर्जन लगाया गया है और हर्रा की चुंगी से वाहन कार्यक्रम स्थल की तरफ न आवे उसके लिए डायवर्जन लगाया गया है, भीड़ भाड़ न हो। और नरौली से बड़े वाहन नरौली से बैठौली होते हुए सठियाँ होते हुए वो अपने गंतव्य को जाएंगे ताकि कार्यक्रम स्थल के आसपास की यातायात व्यवस्था बिल्कुल चलती रहे, सही रहे। कार्यक्रम में करीब 5000 से लेकर 6000 के आसपास लाभार्थी आएंगे जो बसों से आएंगे, ज़्यादातर बसों से ही आएंगे। जीएनपुर की तरफ से आने वाले लोग जो बसों से आएंगे उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था जीएनपुर रोड पे फारूक चौहान का हाता है, बड़ा हाता है, वहाँ पे बसें पार्किंग कराई जाएगी। और भवरनाथ की तरफ से जो लोग आएंगे, जो बसें आएंगी, उनको भी एक फागु चौहान जी का ही हाता है, उसको पार्किंग स्थल रखा गया है, उसमें पर्याप्त मात्रा में बसें खड़ी हो जाएंगी। और छोटे वाहनों के लिए, कार वगैरह के लिए पार्किंग की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल आईटीआई गेट के सामने एक मैरिज हॉल है, वहां पर रखा गया है व्यवस्था। बाईस वर्षीय युवक को घर से बुलाकर कुछ लोग ले गए, बाद में लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। 100 नंबर की गाड़ी जब शव को लेकर घर पहुंची तो परिजनों को घटना की खबर हो पाई। हत्या की यह दुस्साहसिक वारदात शनिवार की देर रात दीदारगंज थाना क्षेत्र के डिघिया गांव के पास हुई, जबकि युवक फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के भेड़िया गांव का निवासी बताया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत का कारण पता चल पाएगा। रविवार को मोर्चरी हाउस पर आए परिजनों ने बताया कि 22 वर्षीय ऋषिकांत यादव पंडाल बनाने का काम कर रहा था। शनिवार की रात कुछ लोग आए और उसे साथ लेकर चले गए। बाद में घटना का पता चला, इतना तय है कि उसकी हत्या की गई है। साहब घर से यानी बोला है कि दिघिया के लाइए और हमारे पतो पूछे कि कहाँ जाते है, कहाँ बयावत है, तो जात रहा ही तो अपन अबेर सबेर आवत रहा, हम लोग निश्चिंत रहे। जब ये गाड़ी गए है जो बोले लटी थी तब हम लोग जाने हैं कि कैसन गाड़ी है, बाद में पता चलल कि वहाँ ही घटना हो गई। मालूम है कि ऋषिकांत मारा गया। पंडाल बनाने गया थी। रात में जो है पंडाल बना रहा था, वहाँ से आया है, स्नान स्नान किया, खाना उना खाया है। इसके बाद दिघिया से दो लड़के आए हैं, इसको बहाना करके बैठा कर ले गए। बल्कि हमारी बहू पूछी कि मतलब ये कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बताया कि अभी हम आ रहे हैं। इसके बाद ले गए, अब सवेर वो आता ही था, वहाँ ले गए तो उसको मतलब ये है मारे पीटे। हम लोग कोई जानकारी तो थी नहीं,
जब ये एम्बुलेंस और 100 नंबर की गाड़ी आई हमारे यहाँ लाश लेकर के वहाँ से, तब हम लोग जानकारी हुई कि मतलब ऐसी घटना हो गई है। फूलपुर कोतवाली पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। क्षेत्र में चर्चा यह भी है कि युवक की हत्या आशनाई को लेकर हुई है, हालांकि पुलिस की तफ्तीश में ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। इस शहर को रोशन करने की ढेरों योजनाएं बनती और बिगड़ती रहीं। कुछ काम हुए भी, लेकिन इसी शहर का एक ऐसा हिस्सा रोशनी से महफूज रह गया जिसकी कीमत आज भी बहुतों को चुकानी पड़ रही है। शहर रोडवेज से करतालपुर जाने वाला बाईपास मार्ग, यही वो सड़क है जो करतालपुर ही नहीं, ब्रह्मस्थान, पहाड़पुर, हीरापट्टी समेत कई मोहल्लों तक पहुंचने वाली अच्छी सड़क के रूप में जानी जाती है। इसी सड़क पर आज तक न तो बिजली के खंभे लग पाए और न ही लाइटें जली। रात में जब लोग इस सड़क से होकर गुजरते हैं तो बेहद परेशानी होती है। करतालपुर बाईपास रोड पर रोशनी का प्रबंध किए जाने का मुद्दा एबीसी चैनल ने उठाया तो यहां के बासिंदों को भी लगने लगा कि यह काम जल्द से जल्द होना चाहिए। लोग अपनी बात शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। जरा सुनिए आप भी कि क्या कहते हैं शहर रोडवेज के पास के रहने वाले रोहन, जो अक्सर इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। बहुत खराब स्थिति पिछले 2-3 सालों से मैं लगातार देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पे इतना ज्यादा एक्सीडेंट होता है रोड लाइट स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से, और जहाँ ये अब ये लगी भी हुई है तो कुछ दिनों के अंदर ही खराब हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से लेकर बाईपास पूरा एंड तक कहीं लाइट नहीं है, कहीं स्ट्रीट पर लाइट नहीं लगी हुई है, आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है। बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर यूथ यहाँ पे कोचिंग वगैरह चलती है, यहाँ से बच्चे स्कूल कॉलेजेस वगैरह आते हैं, इतना ज्यादा दिक्कत होती है उन्हें, अक्सर लड़ते भिड़ते रहते हैं वो लाइट ना होने की वजह से। कितनी बार जाने गई है यहाँ पे, कितनी ये आपको पता ही होगा। जी सर, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो जल्द से जल्द इसके बारे में गंभीरता से सोचें और कुछ यहाँ के बारे में निर्णय लें, ताकि और जो जाने या एक्सीडेंट होने अनहोनी होने वाली वो बच सके। सिविल लाइन की निवासी आशीष उपाध्याय और मुनरासराय के रमेश सोनकर ने भी कहा कि करतालपुर बाईपास रोड पर रात में प्रकाश होना चाहिए। देर शाम को छात्र छात्राएं कोचिंग से लौटते हैं तो कई खिलाड़ी सुबह स्टेडियम में प्रैक्टिस करने भोर में ही जाते हैं, ऐसे में दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं का डर बराबर बना रहता है, और कई बार तो दुर्घटनाएं और कुछ वारदातें हो भी चुकी हैं। इसलिए बिजली विभाग, नगर पालिका और जिला प्रशासन सभी को मिलकर बाईपास रोड पर लाइटें लगवा देनी चाहिए। अब इतना रोड लाइट तो नहीं लगी है, रात में अंधेरे में बहुत दिक्कतें होती हैं, जैसे कि अभी क्राइम भी इससे बढ़ जाता है और लोगों का सावधानियां होती हैं, औरतें महिलाएं सेफ नहीं फील करेंगी, 7 बजे के बाद वो निकलना पसंद नहीं करेंगी, तो काफी दिक्कतें इससे। देखिए ये बाईपास रोड है जिससे गाड़ियों की जो स्पीड है बहुत तेज रहती है, और यातायात भी इस पे सक्रिय हो जाए वो भी अगर सोचे कि थोड़ा स्पीड लिमिट रखा जाए, एक बोर्ड लगाया जाए यहाँ पे यातायात के द्वारा कि रोड लिमिट भी जो स्पीड लिमिट है गाड़ियों की वो कम रहे इस पे। देखिए आम जनता को तो बहुत दिक्कत है, जहाँ लाइट की उजाला नहीं उतना, और शाम को जो साइकिल्स चलने वाले हमारे भाई लोग हैं उनको भी बहुत दिक्कत होती है, जो पैदल जाते हैं उनको दिक्कतें होती हैं, और गाड़ियों की जो स्पीड है उसके वजह से काफी और दिक्कत, और जो रोड लाइट है, रोड लाइट को यहाँ पे जरूरी है कि लगाया जाए। जो है जिला प्रशासन से हम यही मांग करना चाहेंगे कि रोड लाइट लगाएं, और रोड लाइट लगाने से सिर्फ नहीं, उसको समय पे चालू भी करें, स्टार्ट भी कराएं और उस पर लाइट जले, ऐसा ना हो रोड लाइट लग जाए और उस पर जले भी ना। बहुत 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 दिक्कतें लगती है इस पे, आए दिन हम लोग कई एक्सीडेंट्स भी देखते हैं, हमारे सामने के एक्सीडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जो रात में अंधेरे में ना दिखने की वजह से हो जाती है। आजमगढ़ में विकास के कई काम पूर्व की सपा सरकार ने कर दिए हैं, अब भाजपा की सत्ता है जिसके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले ही कह चुके हैं कि आजमगढ़ को विकास का रोल मॉडल जिला बनाएंगे। एक बार फिर डिप्टी सीएम 11 सितंबर को आजमगढ़ में आ रहे हैं,
देखना है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी नजर कब पड़ती है। देखते रहिए एबीसी चैनल। गोली लगने से घायल दुकानदार ने 100 नंबर पर फोन किया और इसी के बाद बेहोश हो गया। 100 नंबर की पुलिस टीम मोबाइल की लोकेशन के आधार पर रानी की सराय थाना क्षेत्र के ऊंची गोदाम के पास पहुंची तो वहां दुकानदार के पेट में गोली लगी थी और वह बेहोश पड़ा था। यह वाकया शनिवार की रात करीब 11 बजे का है। पुलिस वाले पहले घायल दुकानदार को जिला अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देख रेफर कर दिया। इसके बाद परिवार वाले भी आ गए और घायल दुकानदार को सिधारी थाने के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए जहां उसका इलाज चल रहा है। रात में सिधारी थाने की पुलिस और रानीसराय थाने की पुलिस के अलावा स्वाट टीम नर्सिंग होम पर पहुंची लेकिन दुकानदार के होश आने पर ही पुलिस कुछ बता पाने की स्थिति में थी। एसओ रानी की सराय गिरीश कुमार सेठ ने एबीसी चैनल को बताया कि अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। गोली कहां मारी गई और किन लोगों ने मारी अभी हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि गोली पेट में लगी है और घायल दुकानदार बेहोश है। ऐसे में हम लोग होश आने का इंतजार कर रहे हैं। बताएंगे वो लिख दिया जाएगा, उसके उपरांत जो बताएंगे वो क्या कहते हैं जो मजरूब है जो कि चोट लगी है जो वो बताएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या हुआ क्या है ये बताइए, कब से देखा? अभी जब तक वो नहीं बताएगा तब तक कोई बात सामने नहीं आ रही है। घायल दुकानदार 25 वर्षीय सुनील सेठ रानी की सराय थाने के ही ऊंची गोदाम का निवासी बताया गया है। वह सिधारी थाने के समेदा बाजार में बक्सा बनाने की दुकान चलाता है। पुलिस के साथ परिजनों को भी यह नहीं पता चल पाया कि किन लोगों ने सुनील को गोली मारी है और घटना की वजह क्या है। मोहन बता उसको गोली लगी है, हम लोग भागते हुए इस यहाँ पे आए तो यहाँ पे मतलब भर्ती लिए थे तो उसके बाद दवा चालू हुआ। लगी अभी ये सब कुछ नहीं पता चला। क्या जानकारी आपको मिली है? जी हम लोग को जानकारी मिली है कि वहाँ पे थाना के लोग सीओ सिटी आए बोले कि मोहन पुत्र सुनील को किसी ने गोली मार दिया है और वहाँ पे मतलब हम लोग को विश्वास नहीं हुआ। बाद में फिर वहाँ से हम लोग भागते आकर देखने के लिए चलो अच्छे देख लेते हैं। पूर्व राष्ट्रपति व महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम कहा करते थे कि सपने वे नहीं होते जो हमें सोने देते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ऐसे में एक तरफ अभी जहां सभी भावी प्रत्याशी आरक्षण व टिकट के इंतजार में बैठे दिखाई दे रहे हैं तो वहीं मेनका श्रीवास्तव द्वारा अपना जनसंपर्क अभियान लगातार जारी रखे जाने पर मिसाइल मैन की कही ये बातें बरबस ही याद आ रही हैं। पूर्व में लगभग सभी वार्डों में व्यापक पैमाने पर जनसंपर्क कर चुकी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद की भावी प्रत्याशी मेनका श्रीवास्तव ने रविवार को कटरा वार्ड के खत्री टोला मोहल्ले में जनसंपर्क किया। नगर की सूरत बदलने की दृढ़ इच्छा शक्ति को लेकर मैदान में कूदी मेनका श्रीवास्तव ने रविवार को खत्री टोला मोहल्ले के घर घर जाकर लोगों से सहयोग की अपेक्षा जताई। अपने घोषणा पत्र के अनुरूप उन्हें एक स्वच्छ सुंदर हरा भरा समृद्ध व अत्याधुनिक नगर प्रदान करने का वादा किया। कब्रिस्तान गाजी दलेल खां मजार गाजी दलेल खां कमेटी की यह बैठक रविवार को अजमतपुर कोडर स्थित कब्रिस्तान पर संपन्न हुई। बैठक के दौरान कमेटी ने कब्रिस्तान को मॉडल कब्रिस्तान के रूप में तब्दील करने की मंशा से 6 एकड़ से अधिक में फैले कब्रिस्तान के कायाकल्प का संकल्प लिया। जनाजे की नमाज के लिए कब्रिस्तान में अगले रविवार को
आरसीसी प्लेटफार्म के शिलान्यास व सेट के निर्माण का निर्णय किया गया। जंगल के रूप में तब्दील हो चुके कब्रिस्तान की साफ सफाई कर इसके चारों ओर बृहद पौधरोपण का भी प्रस्ताव पारित हुआ। बैठक के पहले ही दिन कमेटी के सदस्यों ने 10 पौधों का रोपण कर अभियान का बिस्मिल्ला किया। हम लोग आज इस मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि इस कब्रिस्तान को एक मॉडल कब्रिस्तान का रूप दिया जाए, मॉडल कब्रिस्तान की शक्ल दिया जाए। ये कब्रिस्तान 6 एकड़ 300 कड़ी रकबे में है और इससे लगी हुई एक कब्रिस्तान है जो 950 कड़ी है। ये कब्रिस्तान ऐतिहासिक है, हजारों साल से ये इसी नाम से सरकारी कागजात में दर्ज है। दूसरी चीज ये कि अब हम लोग इसकी देखभाल के लिए जंगल साफ हो, नया पेड़ लगे, एक मॉडल कब्रिस्तान की जो शक्ल सूरत हो वो बने। और आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जनाजे की नमाज के लिए एक शेड बनाया जाए, जगह देखी गई, उसमें शेड डाला जाएगा अगले इतवार को। और ये आजमगढ़ के सभी लोगों की ये राय है कि यहाँ एक शेड बने ताकि नमाज जनाजा में दिक्कत ना हो, बारिश हो तो बचाव हो। और ये सभी लोगों की ये ख्वाहिश है और तमाम मस्जिदों के पेशेमाम की भी ये ख्वाहिश है कि इस कब्रिस्तान को एक ऐतिहासिक कब्रिस्तान है तो ऐतिहासिक बनाया जाए। जादूगर ओपी शर्मा के गतिशील कार्यक्रम के बीच सक्रिय हुए रंगकर्मियों का आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। प्रेक्षागृह के व्यवसायीकरण के खिलाफ लामबंद हुए रंगकर्मियों ने अब आमरण अनशन व भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। जादूगर के कार्यक्रम के चलते अधर में लटकी रंगकर्मियों की प्रस्तुति से खफा रंगकर्मियों का कहना था कि जिस मकसद से प्रेक्षागृह की स्थापना की गई वह उद्देश्य अब कहीं नजर नहीं आ रहा, कलाकार अपनी प्रस्तुतियां नहीं कर पा रहे। 10 सितंबर को उनका कार्यक्रम प्रस्तावित था, अब उन्होंने उसे खिसकाकर 16 सितंबर तक जरूर कर दिया है, लेकिन उन्हें प्रस्तुति के लिए प्रेक्षागृह फिर भी नसीब नहीं हो रहा। जादूगर के पैसे के जादू के आगे पालिका प्रशासन की मति भ्रम हो चुकी है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन उसके पीछे मुद्दा बहुत बड़ा है। क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो हमारा नगर पालिका प्रशासन है उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इस जगह ये किस मकसद से बना था, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक क्लर्क लगा दिया जो सिर्फ बुक करता है।